पत्थर का वन ऊंचा है, मन उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम भूतल के हैं रखवारे। मैं पर्वत हूँ, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। नदी हूँ मैं, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। मैं हूँ पेड़, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, पांच पांच सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात, हम हैं हाथ। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। मैं हूँ आपका चंदा मामा, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हर दम ही कुछ करती हूँ मैं। चिड़िया हूँ मैं, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूँ मैं लाल, प्यास बुझा कर पूछूं हाल, मैं हूँ तरबूज। चित्र पहेलियाँ ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी चित्रित है। प्राणी में हाथी, ऊंट, बैल, मगर, लोमड़ी और कछुआ, और पक्षी में मोर, तोता, सारस और चिड़िया। उसके बाद का प्रश्न है, इन शब्दों के वाक्य बनाइए। पेड़, पेड़ हमें फल देते हैं। नदी, गंगा पवित्र नदी है। आम, आम फलों का राजा है। हाथ, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। मकान, यह नया मकान मेरा है। खिलौना, माँ मेरे लिए खिलौना लाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, दो चित्र दिए हैं, दो चित्र में से आपको क्या डिफरेंस है वो निकालना है। ये दोनों चित्र में मैंने आठ अंतर है वह दिखाए हैं, तो वह आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर फाइव, पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। जब किसी को जाने के लिए कहना तो जा, जीवन प्राण तो जान, राजा जनक की पुत्री तो जानकी, प्राणी पशु जीवधारी तो जीव सृष्टि। नंबर सिक्स, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखे। फर्स्ट, मधु, मामा, बादल, सरल, सावन, तीर्थ, नदी, दल, वन,
मद। उसके बाद है स्वाध्याय। तो प्रश्न पहला, वर्ग पहली भरिए, शब्दकोश का उपयोग करना है और उसको भरना है। तो ये जो है वह बाएं से दाएं, यानी कि जो आपके आड़ी लाइन है वह है, ये है दाएं ऊपर से नीचे ऐसी खड़ी लाइन दी है, उसके आंसर है। और ये जो पहेली है उसमें सारे प्रश्न के उत्तर दिए हैं, तो इनमें से देख के आपको वह लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू, विराम चिन्ह लगाए के। फर्स्ट, आप क्या खाएंगे? तो आंसर, आप क्या खाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। माँ ने पूछा, नन्नी बेटी तुम कहाँ रह गई थी? तो माँ ने पूछा, कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में नन्नी बेटी, फिर कोमा, तुम कहाँ रह गई थी, क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कोमा और। छी, कितना गंदा पानी है? तो छी, फिर उद्गार चिन्ह, फिर कितना गंदा पानी है, फिर उद्गार चिन्ह। मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, तो रामायण है वह सिंगल इन्वर्टेड कोमा में और है के बाजू में फुल स्टॉप। वाह, कितनी अच्छी किताब है? तो वहाँ के बाजू में उद्गार चिन्ह और कितनी अच्छी किताब है वहाँ भी उद्गार चिन्ह। नंबर थ्री, समान प्राश वाले शब्द बनाइए और लिखिए। खाना, तो गाना, नाना, दाना, फिर असुर, तो खजूर, ससुर, कसुर, फिर चाची, तो नानी, मामी, मासी। क्वेश्चन नंबर फोर, तुम्हारे घर में या आसपास कोई ना कोई पेड़ होगा, उसके बारे में पांच छह वाक्य लिखे। मेरे घर के सामने बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक गई हुई है, वह बहुत बड़ा पेड़ है, उन पर अनेक पक्षियों के घोंसले बनाए हैं, बरगद की छाया में बच्चे खेलते हैं, वट सावित्री के दिन श्रीया बरगद के पेड़ की पूजा करती है। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो भोली भाली, कक्षा में चार बच्चे बैठे हैं, तो चार, नीम की पत्तियां कड़वी लगती है, तो कड़वी, नदी में काला पानी है, तो काला, यह किताब मेरा भाई लाया है, यह, गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है, थोड़ा सा, हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, बड़ा, बाजार में पक्के केले मिलते हैं, पक्के। इसके बाद चित्र के बारे में कुछ विचार व्यक्त कीजिए। इस चित्र में एक किसान ट्रैक्टर में बोरियां भरकर ले जा रहा है, खेत के पास पक्का कुआ है, खेत में किसान का छोटा सा घर दिख रहा है। यह चित्र सूचित करता है कि राज्य में कृषि उद्योग का अच्छा विकास हुआ है, किसान सुखी और समृद्ध है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर लास्ट, कोश के क्रम में लिखिए। फर्स्ट, कांटा, फिर चिड़िया, फिर नदी, पक्का, पतला, पानी, पूजन और पेड़।